साडियो माने को जो है वो बाहर निकालना चाहती है बायर्न, साथ ही साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर बार्सा ने गुंडोगान को दिया है। क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट प्लस लियो मेसी के बारे में द लेटेस्ट अपडेट आई विल बी गिविंग यू टुडे। भाई साहब आज की वीडियो आखिरी तक देखना, इन तीन मेन टॉपिक्स में अपन बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जुआन लापोर्ता की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में कुछ ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब बार्सा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ। सबसे पहली खबर पे आ जाते हैं, जुआन लापोर्ता का प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जो है वो बात कर लेते हैं जरा सा। तो देखो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जुआन लापोर्ता के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर डाल दुकी है चैनल पे, जिसमें मैंने अपना ओपिनियन नहीं दिया है, मैंने केवल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ वो एक्सप्लेन किया है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लब में जितने बोर्ड के मेंबर्स और क्लब के जो है वो शेयर होल्डर्स कोचेस वगैरह है, दे आर वेरी कंटेंट कि जो जुआन लापोर्ता ने बात सही कही है वो एकदम सही कही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी कि बार्सा का केस अच्छे से जो है वो मीडिया के सामने प्रेजेंट किया है प्रेसिडेंट ने। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन लोग नाखुश भी हैं, पीपल आर सेइंग कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो भाई साहब बार्सा का केस और भी ढीला पड़ गया है। ये कैसे पड़ गया ढीला मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज जुआन लापोर्ता ने ऐसा कुछ बात ही नहीं किया है जिससे ये केस ढीला पड़े। जुआन लापोर्ता ने तो केवल जो है वो फैक्ट्स के ऊपर जो है वो बातें कही हैं और उन्होंने केवल अपने तरफ से जो है वो फैक्ट्स रखने की कोशिश करी मीडिया के सामने। ऑल दो उन्होंने काफी सारी बातें करी जो ला लीगा के प्रेसिडेंट के बारे में, रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट के बारे में और एक्सेट्रा, जो मेरे ख्याल से गलत नहीं था, वो अपने क्लब के लिए तो बात करेगा यार। तो यहाँ पे कई सारे मीडिया आउटलेट्स अभी भी नाराज है कि भाई जुआन लापोर्ता ने केस और बिगाड़ दिया बार्सा का, ऐसा वैसा ये वो। तो दोस्तों ज्यादा मत तुम लोग टेंशन लो, ज्यादा इधर उधर मत देखना, ज्यादा इधर उधर मत किसी का न्यूज सुन करके जो है वो दुखी होना कि यार क्या इससे बार्सा का केस और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्या होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ बार्सा एंड हिज ड्यूटी इज टू भाई साहब डिफेंड द क्लब इन फ्रंट ऑफ ऑल द मीडिया आउटलेट्स। उन्होंने डिफेंड किया है, अब जिनको प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम होने दो। वेडनेसडे को जो है वो ला लीगा का असेंबली होने वाला है जहां पे सभी क्लब के प्रेसिडेंट्स मिलने वाले हैं, ला लीगा के प्रेसिडेंट मिलने वाले हैं और यहां पे इनकी कुछ मीटिंग कॉन्फ्रेंस जो भी होगी वो होगी। वहां पे जुआन लापोर्ता भी जाएंगे एज द बार्सा प्रेसिडेंट और वहां पे क्या होगा वो जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। वेडनेसडे में आपको बताऊंगा कि ला लीगा के असेंबली में हुआ क्या है, वहां बहुत कुछ अपन को देखने को मिलेगा। वहां पे रियल मैड्रिड के पापा पेरेस वर्सेस जुआन लापोर्ता देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब पब्लिकली दोनों ने एक दूसरे के बारे में अनसर्ट बातें कह दी है। प्लस जेवियर तावस वर्सेस लापोर्ता भी एक दूसरे को मिलेंगे, जो आपस में एक दूसरे को काफी ज्यादा गाली गलौज किए, तो वहां भी क्या पता साडियो माने और साने टाइप भाई साहब लड़ाई जो है वो अपन को देखने को ना मिल जाए। तो वेडनेसडे की इंतजार मुझको काफी ज्यादा है। खैर सबसे पहली खबर के ऊपर आते हैं और वो है साडियो माने के ऊपर। तो जो लड़ाई हुई थी साडियो माने और साने के बीच में वो मैंने ऑलरेडी अपने जो है वो न्यूज़ वाले वीडियो में कवर करके रखी हुई थी। और दोस्तों गजब की बात यह है कि फोटो बाहर आई है साने की, तुम देख सकते हो लिप्स उसके काले हैं, फूले हैं भाई। तो जो जम का मुक्का मारा है साडियो माने ने वो दिखा है सबको, उसका जो है वो आफ्टर मैथ दिख रहा है अपन को साडियो माने के चेहरे में। अब यहाँ पे इस फोटोज के बाद ऐसी खबरें भी निकल के आ रही हैं कि बायर्न इज नॉट हैप्पी विद साडियो माने, और वो दो रीजंस के चलते। सबसे पहले तो इन्होंने जो हंगामा कर दिया भैया ड्रेसिंग रूम में, फ्रेंडली फायर अपने ही दोस्त अपने ही प्लेयर को मार रहा है सबसे पहली बात, और मार रहा है और इतना गंदा मार रहा है कि काला हो गया होट। तो इसके चलते दे आर वेरी नाखुश। सेकेंडली दे आर नॉट इवन हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस एट बायर्न एज वेल। दे आर सेइंग कि यार ये जो इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस लिवरपूल में डाल के देता था, जहां अपन को देखने को मिलता था विदाउट माने, भाई साहब लिवरपूल एकदम टट्टी दिखती है, वो मेजर परफॉर्मेंस तो वो यहाँ बायन में दे ही नहीं रहा है, वो खेल ही नहीं रहा है बायन टाइप। सो दे आर नॉट हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस एज वेल, और वो थॉमस ट्यूकल के प्लान्स में भी नहीं है। इसके चलते अपन को जो है वो माने इसी समर विंडो में जो है वो भाई साहब निकलते हुए नजर आ सकते हैं। अब कौन सी क्लब खरीदेगी साडियो माने को देखने वाली बात होगी, बट इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, हमने लिवरपूल में देखा है, और भाई साहब देखने वाली बात होगी कौन सी क्लब जो है वो लेफ्ट विंग अपना साडियो माने के साथ फुलफिल करेगी। सेकेंड खबर के ऊपर आ जाते हैं और वो है गुंडोगान को एक ऑफर जो है वो बार्सा ने सबमिट कर दी है। अब भाई साहब सीधी सी बात ये है, एवरीबॉडी नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट बार्सिलोना वांट गुंडोगान इन देयर टीम। गुंडोगान हु इज राइट नाउ 32 ईयर ओल्ड, उसको बार्सिलोना जो है वो 2+1 ईयर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करी है। कम वेजेस ही हैं लेकिन 2+1 ईयर ऑप्शनल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर यहां पे गुंडोगान को किया गया है। 2 साल यानी 34 तक तो वो खेलेगा बार्सिलोना में, 34 के बाद जब वो 35 के हो जाएंगे तो वो ऑप्शनल है उनके ऊपर, वो खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफर करिए बार्सिलोना गुंडोगान को।
अब गुंडोगान बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि क्या बार्सिलोना फाइनेंशियली इस चीज़ को मतलब वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्या उन लोग मेरे को रजिस्टर कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे। उसके बाद इस डील के ऊपर जो है वो भाई साहब साइन करने वाले हैं। ही वॉन्ट्स टू लीव मैन सिटी, बट लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी तो 32 ईयर ओल्ड हो गया है ना, तो बुजुर्ग लोग को क्यों खरीद रही है बार्सिलोना। सीधी सी बात यह है यार, तुम उसकी गेम देखो ना मैन सिटी में, गुंडोगान का रिलेंटलेस प्रेसिंग करते हैं भाई पूरी मैन सिटी की टीम, और उसमें वो 32 साल का गुंडोगान भी है जो आगे पीछे दौड़ते रहता है बायर्न के खिलाफ। लेकिन मुझे डर एक बात का है, मेरे को डर गुंडोगान के पोटेंशियल के ऊपर नहीं है, मेरे को डर गुंडोगान, मेरे को मतलब क्वेश्चन नहीं है गुंडोगान के ऊपर कि क्या गुंडोगान परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा बार्सिलोना में। मेरे को डर है कि यार वो जो मेंटेलिटी उसकी मैन सिटी में है वो सेम मेंटेलिटी यहाँ बार्सिलोना में रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बार्सिलोना की मेंटेलिटी और मैन सिटी की मेंटेलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। और मैन सिटी तो भाई साहब एकदम ताबड़तोड़ मेंटेलिटी के साथ खेलती है, वहाँ पे 32 साल का प्लेयर भी ऐसा फील करेगा कि यार आई नीड टू गिव माई 100% टू दिस टीम, और वो सेम चीज़ बार्सिलोना में प्लेयर्स नहीं फील करते हैं। यहाँ वो 32 साल का क्या, वहाँ 18 साल का प्लेयर भी होगा ना, तो उसको लगा अरे यार सब तो ढीला खेल रहे हैं, चलो मैं भी ढीला खेल लेता हूँ। तो यार वहाँ पे ना, यहाँ पे और वहाँ पे बहुत डिफरेंस है। तो वो सेम मेंटेलिटी क्या बार्सिलोना गुंडोगान का रेप्लीकेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बट गुंडोगान इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड आई रियली होप सो गुंडोगान आ करके इस एक्सपीरियंस, इस मेंटेलिटी को थोड़ा सा स्प्रेड करे भैया बार्सिलोना के अंदर भी। लेकिन हाँ, अभी 2 साल प्लस 1 ईयर का ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अब इसको गुंडोगान साइन करेंगे नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी। आखिरी खबर के ऊपर आ जाते हैं और वो है लियो मेसी के, भाई साहब न्यूज लेटेस्ट अबाउट लियो मेसी। सो द लेटेस्ट न्यूज अबाउट लियो मेसी इज दैट कि भाई साहब द कॉन्टैक्ट्स बिटवीन लियो मेसी एंड पीएसजी इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। जी हाँ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी चल रहे थे लियो मेसी और भाई साहब पीएसजी के बीच में फॉर द नेगोशिएशन ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, वो अब ब्रोकन डाउन हो चुके हैं बिल्कुल। देयर इज नो वे दैट लियो मेसी विल बी स्टेइंग इन पीएसजी, और ये ऑफिशियल पीएसजी की तरफ से जो है वो उनके जर्नलिस्ट वालों ने जो है वो खबर दी है कि अब मेसी विल नॉट बी स्टेइंग इन पीएसजी अनटिल एंड अनलेस कतार में जो बैठे हुए हैं एम्परर लोग हैं उन लोग कुछ करना दें। अब एक मीटिंग यहाँ पे रखी गई है लुइस कैंपोस के साथ, जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है पीएसजी के, उनको कतार बुलाया गया है। वो अभी कतार जाएगा लुइस कैंपोस और बात करेगा कतारी एम्परर लोग से। अब यहाँ पे कतारी एम्परर लोग पता नहीं कुछ मेसी को देने लेने की बात करें, आप पता नहीं कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मेसी इज़ नॉट गोना स्टे विद पीएसजी, इट इज़ नाउ 100% कन्फर्म। पूरे टॉक्स जो है वो भाई साहब बिखर चुके हैं बिटवीन मेसी एंड पीएसजी। सो नाउ मेसी विल बी अ फ्री एजेंट दिस समर। अब कौन सी क्लब यहाँ पे मेसी को लेगी ये देखने वाली बात होगी। ऑब्वियसली बार्सिलोना इज़ इन द पोल पोजिशन। बार्सिलोना की तरफ की बातें बता दूं आपको, तो बार्सिलोना ने एक डॉक्यूमेंट लालीगा को ऑलरेडी भेज चुका है, लालीगा उस डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन 2-3 पॉइंट्स को जो है वो सुधारने के लिए बोली बार्सिलोना को। तो वो 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बार्सिलोना काम करके फिर से लालीगा के पास सबमिट करेगी और लालीगा उस फिर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगी, तो मेसी कैन रिटर्न बैक टू बार्सिलोना। अब यहाँ पे ना ऐसा माना जा रहा है कि एक अग्रीमेंट इज ऑलरेडी बिटवीन बार्सिलोना एंड लालीगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट मेसी की जो है वो रिटर्न, बस कुछ चीज़ों पे जो है वो आपको अग्री करना है लालीगा और बार्सिलोना को। तो ऑलरेडी ऐसा माना जा रहा है कि अग्रीमेंट ऑलरेडी है, इनकी बातें ऑलरेडी हो चुकी है, बिकॉज लालीगा ऑल्सो वॉन्ट्स मेसी टू बी इन लालीगा एंड बार्सिलोना ऑब्वियसली वॉन्ट्स मेसी टू बी इन बार्सिलोना। तो दोनों पार्टीज जा रही है कि मेसी आए, तो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी अग्रीमेंट हो चुकी है, बस कुछ चंद चीज़ों पे जो है वो कन्फर्मिटी चाहिए, और वो चंद चीज़ों में ऐसी कंफर्मिटी मिल जाएगी मेसी विल मोस्ट प्रोबेबली इन बार्सिलोना साइंड भाई साहब। तो ये थी आज की पूरी खबरें, बहुत इंपॉर्टेंट बार्सिलोना गुंडोगान लापोर्ता एंड साने की जो है वो मैंने आपको खबर दे दी है। खैर मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, दिस इज सजेशन, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।